नमामि धन्वन्तरि मादि देवं सुरासुरै वंदित पाद पद्मं लोके जरा दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बुदोज्ज्वलाङ्गं कटितट कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करें अपने क्लिनिकल ए आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं यहां पर एक दो लोगों को होस्ट बना देता हूं। आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं और आज बहुत अच्छा संभाषण होगा ऐसा उम्मीद करता हूं। और जो लोग बोलना नहीं चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, वो अभी यहाँ मैदान छोड़ के चले जाएं। जो लोग डिस्टर्ब करना चाहते हैं कृपया यहाँ से चले जाएं, और जो लोग सच में पढ़ाई करने के लिए आए हैं वही लोग रहिए। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आइए हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। जी तो डॉक्टर दीप्ति जी, आपका कोई केस बताइए। डॉक्टर आरती शर्मा मैम, कोई केस बताइए आप। प्रणाम सर, थैंक यू कह रहा था मुझे वो आपने बेटी का गाइड किया था, उसका उसी दिन ठीक हो गया था। क्या तकलीफ था उनको? सर वो उसको बच्चे को कंजक्टिवाइटिस था, बेटी को ना। हाँ तो अभी 3 दिन उसको अभी हो ही गया। तो आपने क्या दवाई दिया था? तो उसको दे रही थी साथ में, वो भी ठीक है, उसी दिन ठीक हो गया था वो फर्स्ट डे देने से ना। क्या दिया था आपने मेडिसिन? सर मेरे पास उस समय किशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल और एक पंचतिक्त घृत गुगुल, ये 3 थी मेडिसिन। तो यही मैंने 2 दिन यही कंटिन्यू की, तो अभी बिल्कुल ठीक है उसके आईज। जी बहुत अच्छा जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी को जितने और भी गाइड किया था उन्होंने, मैम ने भी एक। जी थैंक यू मैम। डॉक्टर शैलजा गुप्ता मैम, आप अपने बारे में बताइए मैम, आप कौन है? डॉक्टर शैलजा गुप्ता मैम सुन पा रही हैं क्या? यस सर, मैं सुन पा रही हूँ। आप अपने बारे में बताइए ना। सर मैं दिल्ली से DU से पास आउट हूँ और मैं अभी सुश्रुता आयुर्वेदिक थेरेपी सेंटर में वर्क कर रही हूँ। और सर मैंने अभी आपको रिसेंटली ज्वाइन किया है, और मेरे पास भी एक BPH के 2 पेशेंट है और दोनों ही डायबिटिक पेशेंट है। तो ऐसा होता है कि BPH जिसको होता है उसको डायबिटीज ही होता जरूर है? नहीं, ऐसा तो स्टडी नहीं है। तो आप क्या दवाई क्या दे रही हैं मैम, ये तो बताइए क्या दवाई दे रही हैं? सर मैं वही कांचना गुगुल और किशोर गुगुल और वरुण आदिकुआत और उसके साथ पुनर्नवा गुगुल, ये 4 चीजें चला रही हूँ और चंद्रप्रभा वटी दे रही हूँ साथ में। जी तो क्या फायदा क्या हो रहा है, मतलब क्या रिजल्ट आ रहा है? सर उनका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हुआ है, पहले 50 था वो 40 cc पे आ गया है, और जो नाइट मैच्योरेशन थी पेशेंट की 3 से 4 बार पेशेंट जाता था, वो सिर्फ एक बार नाइट में 11 o'clock जाता है, फिर सीधा मॉर्निंग में 6 o'clock जाता है। बीच में डिस्टर्ब नहीं रहते आपको, पहले वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते थे। जी एक बार फिर से दवाइयों का नाम बता दीजिए सर। कांचनार गुगुल, पुनर्नवा गुगुल
और वरुणादि क्वाथ और चंद्र प्रभावती। जी बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ओ थैंक यू। आपने दिल्ली से पढ़ाई की है? यस सर, डीयू तिबिया कॉलेज से सर। तिबिया कॉलेज के बच्चे तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हाँ सर, बहुत ज्यादा ही होते हैं। जी ठीक है मैम, आप अच्छा करते रहे, हम दिल्ली आएंगे तो आपसे मिलेंगे। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। जी थैंक यू मैम। वेलकम सर। और डॉक्टर, थैंक यू मैम। डॉक्टर मंगला मैम, आप कुछ बताएंगी कोई केस? डॉक्टर कनवलदोल मैम, आप बताइए कोई केस। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम, आप बताइए कोई केस। डॉक्टर रश्मि मैम, कुछ केस? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बताइए। दीप्ति मैम। सर एक मेरी पेशेंट है, उसको मतलब भ्रम का प्रॉब्लम था कि और कान से ऐसे उनको ना बहुत आवाज आती थी, तो वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट भी, एक्सरसाइज वगैरह सब कर रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप मतलब अगर नस से लेंगे, उनको एक्सप्लेन किया तो थोड़ी कन्विंस हुई। जैसे मैंने ज्यादा उनको कुछ भी नहीं दिया, उनको मैंने सारी वादी बट्टी स्टार्ट किया है और वो नस से ले रही है। अभी उनको 10 डेज हो गया है। नस से में भी मैंने उनको पंचेंद्री वर्धन ऑयल दिया, तो वो खुद मतलब इतना अच्छा फील कर रही है और उनका इतना फ्रिक्वेंटली जो एपिसोड था, और यहाँ मुंबई में के ट्रैवलिंग भी बहुत होती है ना ट्रेन में, तो हवा और ये सब मतलब वो ऐसे हेतु रहते ही हैं उनके। लेकिन वो आगे मुझे खुद बोली कि मैं इतने सालों से मेडिसिन खा रही थी और मैंने अभी 10 डेज से बिल्कुल भी वो टैबलेट वार्टिन वगैरह कुछ नहीं लिया है, और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर बहुत ड्राइनेस है, तो वो ऑयल के कारण है कि क्या है, मुझे मतलब मेंटली भी बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट वो उन्होंने एक्सेप्ट किया आयुर्वेदा को, और वो खुद मतलब इतने सालों से एलोपैथी छोड़ के उन्होंने ये इस पे शिफ्ट हुई है और उनको रिलीफ भी मिल रहा है। जी बहुत अच्छा बताया मैम आपने, एक बार फिर से बता दीजिए दवाइयों का नाम। सर मैंने सिर्फ सारीवादी बट्टी दिया था उनको और पंचेंद्री वर्धन तेल का नस्य बोला था उनको करने के लिए, मतलब एक दो बार बस मैंने करके दिया, लेकिन वो आ नहीं सकते हैं तो वो खुद अभी खुद से ले रहे हैं नस से जो है वो। कितने ड्रॉप्स हो रहा था, कंप्लेंट क्या थी? कंप्लेन उनको ये थी कि उनको थोड़ा सा मतलब जैसे सडनली अगर वो उठती है ना तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाता था, और ट्रेन से ट्रेवल है तो हवा वगैरह बहुत लगती थी, तो वो जैसे घर आते तक के उनको लगता था कि अब बिल्कुल बैठ जाना चाहिए, बहुत मतलब उनको ऐसे वॉमिटिंग सेंसेशन ये सब होने लगता था। उन्होंने सारे टेस्ट कराए, सब नॉर्मल निकला, लेकिन सिर्फ ईयर में उनको ऐसा लगता है कुछ साउंड आ रहा है, टिनिटस बोल सकते हैं वैसा, या कान से ऐसे हवा निकल रही है ऐसा उनको फील होता था। तो मैं उसी के हिसाब से मैं बोली आप एक काम कीजिए कि एक तो खाने में घी है, रुक्ष चीजें का सेवन मत करो, क्योंकि वो क्या मटकी यहाँ पे बहुत ज्यादा खाते हैं ना, चना मटकी ड्राई रहता है, तो वो चीज खाने के लिए उनको मना किया था। और बाकी फिर उनको वही कि आप बाहर जाते हो तो थोड़ा सा कान वगैरह पैक, क्योंकि उनकी प्रकृति भी थोड़ी बात पित्तज है, तो उसके हिसाब से मैंने बोला कि थोड़ा कान पैक करके जाया करो, मतलब इतना हवा ना लगे। और फिर नस्य और सारी पाती बटी इतना ही चलाया अभी ज्यादा, क्योंकि वो मतलब पहले तो उनको फेथ भी नहीं था और वो ज्यादा मेडिसिन लेने के उसमें थे भी नहीं, और बोले पथ्य पालन बहुत नहीं कर सकती हूँ मैं, तो फिर इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड चीज ही उनको बताया और ये दो मेडिसिन से शुरुआत की थी। पर 10 डेज के बाद वो खुद मुझे फोन करके आज बोली कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब शायद मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर ड्राइनेस थी और मुझे ऐसे एकदम कंप्लीट वाला फीलिंग आ रहा है। वो उनके शब्द मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट मुझे अच्छा फील हुआ। नस से कितना ड्रॉप बोला था मैम? मैम पहले तो मैंने उनको दो दो ड्रॉप से स्टार्ट किया था, फिर जब सेकेंड डे मेरे पास है तब मैंने 4 ड्रॉप, और अभी वो 6 ड्रॉप लेती हैं, ज्यादा तो नहीं लेती हैं, बोले एकदम मुझे गले में कैसा लगता है, तो मैंने कहा जितना ले पा रहे ना उतना ही कंटिन्यू करो। ओके, एक बार या दो बार बताया है? 2 बार बताया है, मॉर्निंग और इवनिंग में। अच्छा है, शायद इसलिए 2 बार से शायद उनको जल्दी मतलब रिजल्ट आया होगा, 2 बार दे रहे हैं इसलिए। कांग्रेस मैम। कांग्रेस मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू। सर मुझे ना एक्चुअली केस डिस्कस करना था, मैंने आज ही उनको मेडिसिन दिया है, पर एक जगह मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही थी कि वहां पे मतलब क्या संप्राप्ति हुई होगी। जो मेरे पास पेशेंट आई है वो आई तो थी हेयर फॉल की कंप्लेन लेके, फिर जब मैंने उनका पूरा हिस्ट्री लिया, जो आपकी केस सीट है वो फिल किया, तो उसमें उनका ये आया कि उनको बहुत समय से सुबह उठती तो बहुत ज्यादा छींक आती है और हमेशा कफ बना रहता है,
और एसी में भी फुल बैठती, क्योंकि वो आईटी सेक्टर में है, सिटिंग जॉब है उनका, और उनके एंकल जॉइंट में स्वेलिंग भी आती है, और ये उनके पापा को भी था। और सर ऐसा उनको भूख वगैरह तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं लगती है, पर अभी खाना है, टाइम हो गया इसलिए खा लेती हूँ। शाम को 6 बजे के बाद वो कुछ भी नहीं खाती है, पर उन्होंने ये बोला कि मुझे यूरिन लीकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन शायद ऐसा हो सकता है। मैंने उनको क्लियर भी पूछा कि कहीं वाइट डिस्चार्ज तो नहीं है, क्या है, बोले नहीं मुझे यूरिन पास करने के बाद भी थोड़ी देर बाद अगर मैं जाऊं तो मुझे लगता है कि यूरिन कर लेना चाहिए। और उनके मतलब कुलज इतिहास में उनके पिताजी को डायबिटीज है और हार्ट का प्रॉब्लम है, फिर उनकी प्रकृति जो है वो कफज पित्त जो लगी, और पानी बहुत कम पीती हैं, मतलब बोले मुझे बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है, तो मेरा दिन भर जो इंटेक रहता है वो 1 लीटर के करीब होता है। तो मैंने तो अभी तो दीपन पाचन ही दिया है उनको, अजमोदादी चूर्ण स्टार्ट किया, रस पाचक दिया, और उनका उन्होंने एक हेल्थ चेकअप कराया था, उस हेल्थ चेकअप में उनका एचबी तो 10.5 आया है, बाकी सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सिर्फ उनको यूटेराइन फाइब्राइड आया है जो 21 mm के हैं, 2 फाइब्राइड है। तो सर मैंने अभी मतलब वो उनका आम मतलब ये तो, और उनको अभी 2 महीने से उनका बहुत ज्यादा ट्रेवल का हिस्ट्री था, तो जब मैंने पूछा मोशन कैसा हो रहा है तो बोले होती तो मुझे उठते सही थी जाती हूँ, तो मैंने पूछा कैसे स्टिकी है क्या है, तो बोले हाँ थोड़ा स्टिकी हो रहा है अभी, तो आमावस्था तो लगी उनके, देख के भी ऐसा लगता है जिह्वा भी साम थी, तो उस हिसाब से अभी दीपन पाचन शुरू किया है और एरन ब्रिस्ट हरित की विरेचन में दिया है, पर क्या कहाँ से शुरू करूँ ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो हेयर फॉल भी है, फिर आमावस्था भी है, फिर उनका उसकी वजह से उनको राइनाइटिस मतलब वो भी प्रॉब्लम है, और फाइब्राइड का भी है, और साथ में ये यूरिन लीकिंग का भी है, तो कैसे संप्राप्ति कैसे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या नहीं तो करना आप चाहिए। मेन कंप्लेंट क्या है, पेशेंट को सबसे ज्यादा तकलीफ क्या हो रही है? सर तकलीफ ऐसे कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो अभी 2-3 पेशेंट हेयर फॉल के ठीक हुए, इसलिए वो सुन के आई थी कि मुझे हेयर वो ठीक फॉल है, तो लेकिन 3 महीने वो तक क्या आया है चाहती सर, क्या है, वो आपसे पहले क्या ठीक करवाना चाहती है? वो यूरिन लीकिंग के लिए और हेयर फॉल के लिए। तो आप बाकी सब दवाई दीजिए, पहले इसके लिए ध्यान दीजिए। यूरिन लीक हो रहा है तो आप क्या देंगी? सर मतलब चंद्र प्रभावती तो है दिमाग में, पर कहीं ना कहीं क्लेद है ज्यादा, और तो मेरा अभी था कि आम पाचन पहले करूं। हाँ, अवगाहन दीजिए, बस्ती दीजिए। मैम छींकाने पे यूरिन लीक हो जाता है या ऐसे भी हो जाता है, या फिर यूरिन करने के बाद फिर ऐसा लगता है कि फिर से करना है, वैसा है, हाँ कैसा है? मैम यूरिन करने के बाद पे ऐसा होता है, छींक आने के बाद भी होता है, और कभी कभार बोले ऐसे ही मुझे लगता है कि वेट हो गया है, अच्छा, कभी भी हो रहा है मतलब? और छींक उनको बहुत ज्यादा आती है, थोड़ा भी मतलब जैसे एसी का टेम्परेचर बढ़ गया, या वो ट्रैवल करके आ रही है ऑफिस से घर आ रही है, या फैन का स्पीड भी बहुत बढ़ गया, तो एकदम और मॉर्निंग उठेगी तब भी कंटिन्यू छींक बनी रहती है उनको। अच्छा, वो भी है राइनाइटिस, शायद एलर्जिक टाइप है मैम, हाँ वो क्रोनिक है, मतलब चौतीस काफी प्रतिशत सालों से है। नहीं मैम, उनको ये संप्राप्ति ना मैम, आपको भले ही वो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोल रही है, लेकिन इनका ग्रहणी दृष्टि से लेके यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और यही सारा वेगावरोध वगैरह कुछ अगर होगा तो फाइब्रॉइड, ऐसे कनेक्शन है, आपको ट्रीटमेंट प्रॉपर ही करना पड़ेगा। भले आप अभी उनको चंद्रप्रभा गोक्षुर टेम्पररी देंगे तो उनको थोड़ा सा डिफरेंस होगा, बिकॉज मेनी अ टाइम दिस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस इज एक्सीडेंटल ऑल्सो, इनवॉलंटरी लॉस भी रहता है। जो इनवॉलंटरी लॉस रहता है उसमें वाइड स्प्रेड काफी सारी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये चीजें आती है। तो आप उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने के बाद में प्रॉपर वैसे जाइए, बिकॉज फाइबर छोटे नहीं है मैम उनके, आपने 21 mm बताया ना? जी हाँ, तो टू एम एम ट्वेंटी वन बोला था ना शायद, नहीं, ट्वेंटी वन 21 mm है मैं, ओ अच्छा, तो 21 mm के भी शायद दो बताए हैं आपने, तो दो इवन है। दिस। हाँ, तो मैम ये ऐसे संप्राप्ति आपको प्रॉपरली अगर इसमें मतलब अगर वो पेशेंट तैयार होती है, अगर वो सिर्फ आपके पास में हेयर फॉल इस चीज के लिए आई है, तो आप बराबर लाए दीपन पाचन देखे जो सर ने जैसे बताया वैसे, बस्ती वगैरह देखे आप, चंद्र प्रभा गोक्षुर और ये सारी चीजें। लेकिन बींग अ लेडी इफ शी इज 40+ एंड फाइब्रॉइड है, तो दिस इज अ वेरी रिस्की केस, बिकॉज दिस में गेट कन्वर्ट इंटू अनदर संप्राप्ति की जो सी की तरफ जाती है। फाइब्रॉइड भी अनट्रीटेड रहेगा, यूटीआई भी अनट्रीटेड रहेगा, और इनकॉन्टिनेंस फिर उसके बाद में सिस्टाइटिस और आगे आगे संप्राप्ति धातुओं को लीन करता जाता है। तो इस वजह से प्लीज टेक अ वेरी प्रॉपर दिस थिंग,
अच्छी तरह से दीपन पाचन करना ये सबसे मेन ट्रीटमेंट का रूट कॉज है, लेकिन वेदर दिस संप्राप्ति इज गोइंग टू सम सीवियरिटी वो भी देखिएगा। ओके वही एक्चुअली मैम को भी पूछिए आप कि वो बोलती है मुझे सभी चीजें करानी है बट मेन अभी तो मुझे ये प्रॉब्लम है क्योंकि वो कैसे रहता ना उनका टूर रहता है इधर जाना होता है थोड़ा सा वो ऑकवर्ड फील होता है यूरिन लीकिंग का प्रॉब्लम। उनका एज, उनका हेतु, उनका किस कितने साल से है, पहले फाइब्रॉइड हुआ है कि पहले ये जो इनकॉन्टिनेंस है वो मानसिक मैम फाइब्रॉइड से कितना रिलेटेड है? हुआ कि अभी वो हेल्थ चेकअप कराई थी मार्च 2022 में तब उनको ये पता चला है और यूरिन लीकिंग का प्रॉब्लम जो है ये उनको 1 ईयर से है लेकिन पहले ऐसे मतलब होता था कि यूरिन पास करने के बाद में भी अगर वो फिर से जाती थी तो यूरिन उनको पास हो जाता था। अब वो उस समय मतलब बहुत ज्यादा नहीं था लेकिन अभी वो कह रही कि ऐसे ज्यादा मतलब ओबेसिटी कितना हो रहा है 40 ईयर है और ओबेस भी है 15 kg वेट ज्यादा है मतलब हाइट 5'5" है और वेट 70 kg है तो ओबेस भी है। एक्टिविटी कितना है मतलब काम करती है घर पे? एक्टिविटी मैम मतलब सिटिंग जॉब ही है पर वो क्या करती है फुल डे में आजकल वो है ना कि मुझे 10,000 steps होना चाहिए तो वो एक वो दिमाग में है उनके तो वो बच्चों को लाने ले जाने थोड़ा सा जनरली वॉक करते हुए जाती है बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है सिर्फ वॉकिंग है और वो भी उन्होंने एक अपने माइंड में सेट कर लिया कि मुझे 10,000 steps फुल डे में कंप्लीट करना है मतलब एज देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। बात की केस होगी मैम आप इसको पेल्विक गर्डल की एक्सरसाइजेस प्राणायाम और आपका जो भी है मूत्र पे जो भी आप ट्रीटमेंट दे रही है इनकॉन्टिनेंस पे वो तो दीजिए लेकिन इनको प्रॉपर काउंसिल करिए कि मैम ये छोटी चीज लगती है आपको लेकिन 50s के बाद में यही बीमारी बन के आपके सामने 50s क्या 40s को टच हो गया मतलब 45 के बाद में तो इसको प्रॉपर स्क्रीन भी करिए हीमोग्राम क्रिएट यूरिया लिपिड वगैरह सब कुछ अच्छा है तो सिर्फ दीपन पाचन चंद्रप्रभा पुनर्नमो और आपको इससे ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा आरोग्यवर्धिनी से। मैम रिपोर्ट तो उनकी मतलब सारी नॉर्मल आई है सिर्फ एचबी बस उनका 10.5 मतलब वो भी बहुत क्रिएट यूरिया लिपिड लेफ्टी देखा मैडम आपने क्रिएट यूरिया एक्चुअली वो फुल बॉडी चेकअप था तो उसमें स्ट्रेस टेस्ट टूडी को ईसीजी ऑल थिंग उन्होंने कराया सब रिपोर्ट नॉर्मल थी मुझे लगा कि शायद प्री डायबिटिक तो नहीं है क्योंकि उनके खाना पीना थोड़ा वैसा था उनका पर वो रिपोर्ट भी उनकी नॉर्मल आई है। मुस्ता सिद्ध जल और धान्य जीरक पान पी दीजिए छोटी अगर कोई संप्राप्ति होगी तो जल्दी रिजल्ट आ जाएगा बट अलोंग विद दैट इफ इट इज यूटीआई एंड इफ इट इज इनकॉन्टिनेंस इट इज श्योरली रिलेटेड विद फाइब्रॉइड आल्सो मैम और मेनी टाइम फाइब्रॉइड इज रिलेटेड विद द इनकॉन्टिनेंस मैंने दोनों भी टाइप का देखा है केसेस। अच्छा एज क्या है पेशेंट की? 40 ईयर है यूरिन इन्फेक्शन तो नहीं आया उनका मतलब नॉर्मल आया बट उनके हेल्थ चेकअप में उन्होंने यूएसजी एब्डोमिन किया था। मैम यूरिन इन्फेक्शन दिख रहा है क्या वो नहीं बोल रही मैं उनको कुछ यूटीआई रिपीटेडली मिलता है क्या रिपीटेडली अगर यूटीआई बैठता है तो माउंस पैचअप भी देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे इनकॉन्टिनेंस का ड्यू टू डेट्रूजन मसल्स होता है सो इट इज विच टाइप ऑफ संप्राप्ति वो थोड़ा सा सॉर्टिंग आउट कर लीजिए। हेलो मैम उनको अजमोदा दी चूर्ण रस पाचक मांस पाचक और उनको ये चलाया है आप विरेचक दिया है उनको माइल्ड स्टार्ट नहीं किया मैम अभी यही दिया था चंद्रप्रभावती वो सोचा है कि उनको देना है करके। हेलो मैम। हेलो हाँ मैम उनका मिसकैरेज का हिस्ट्री है क्या? मिसकैरेज का नहीं है बट उनकी ना IVF प्रेगनेंसी है हाँ मतलब 9 साल पहले। ओके मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी है? मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री मतलब उनको रेगुलर है बट उनका 6 days फ्लो रहता है। पेनफुल है? पेनफुल है मेंस्ट्रुएशन? पेनफुल नहीं है क्लॉटिंग भी नहीं है मैंने उनको पूछा बोले नहीं है बट हाँ ये हुआ है कि पहले उनका 4 to 5 days का साइकिल होता था बट अभी 8 महीने लास्ट मतलब 8 months से उनका 6 days तक हो रहा है। ब्लीडिंग ज्यादा है? फर्स्ट 2 days ज्यादा रहती है फिर कम हो जाता है। मैम थायराइड का इशू कोई है क्या? नहीं मैम वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आया उनका। okay. वो विटामिन जो जनरली यहाँ पे बहुत कॉमन है मुंबई में कि वो डी और B12 लेवल डाउन रहता है तो उनका विटामिन डी बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा इनसफिशिएंट थोड़ा सा आया है बस।
चंद्रप्रभा ऐड नहीं किया आपने ना अभी तक? नहीं मैम, मैंने कुछ अभी सिर्फ जो इतना ही दिया था, चंद्रप्रभा वर्टी में देने का सोच रही थी उनको, पर मुझे लगा कि एक बार ये केस एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, ये मैंने दे दिया। एक्चुअली जब मेरे पास पेशेंट आया ना, तो मुझे जो समझ में आया मैंने ये दे दी थी उनको। उनको प्रॉब्लम इतनी सारी थी तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि क्या करना चाहिए, मतलब मैं सही डायरेक्शन इतना सारा है उनका तो क्या पहले लूं। मैम उनको मेड दवाई कुछ दी है क्या? मैम अभी कुछ भी नहीं दिया, अभी वो आई ना तो मैंने सिर्फ दीपन पाचक विरेचन और रस पाचक और मांस पाचक ही दिया उनको। ओबेसिटी भी उसका कारण हो सकता है मैम, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में, और एसिस्टेटिस मैम ने अभी बोला वो भी रह सकता है इसमें। और पेशेंट का जो अभी रेगुलर आप बोल रहे हैं 4 to 5 days, 6 to 7 days बोल रहे हो वो भी, लेकिन पेशेंट का विषमाशन और ये जो रात्रि जागरण वगैरह कुछ हेतु है क्या देखो, और पेशेंट का दिमाग में कुछ चल रहा है या अनसेटिस्फाइड या स्ट्रेसफुल रहता है तो थोड़ा रहता है उनका, क्योंकि हस्बैंड उनके बाहर ही रहते हैं और ज्वाइंट फैमिली है, थोड़ा सा बच्चों की वजह से और वर्क दोनों बैलेंस करने में डिफिकल्टी होती, थोड़ा सा स्ट्रेस है उनको। तो मैं वही ब्राह्मी अभी जब आने वाली मेरे पास तो ब्राह्मी वटी और ऐड कर दूंगी करके प्लान किया था। और मैम इसमें पांच भौतिक का वक्षोराधि गुगुल भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें, और अपना ये आरोग्यवर्धिनी भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि ग्रहणी पहले मैम आप कॉन्सेंट्रेट उनके ग्रहणी पे करिए, ग्रहणी दीपन पाचन अच्छा हुआ तो 50% ट्रीटमेंट तो उधर ही रहती है, उसके बाद अर्ध चिकित्सा अपनी जो बस्ती बोली है वो चालू कर देना, और उसके बाद पेशेंट को बस्ती 1 month होने के बाद आप मानो तो मृदु विरेचन दिए वातलोमन के लिए, नाभि पूरण भी थोड़ा सा, और पेशेंट को बोल देना कि भूख लगे तब खाना, और जब वेग आए मानो तृष्णा का वेग आया मल मूत्र का वेग आया वो रोके मत, ये पेशेंट को बोलना चाहिए। और उसका योनि पिचु भी मैम बहुत इसमें काम करता है बहुत अच्छा, क्योंकि का मतलब कौन से तेल से करना चाहिए? मैंने मेरे पेशेंट को एक योनि पिचु दिया था, पेशेंट का पित्त प्रकृति का था और उसका ना वह जाना पूरा ड्राई ऐसे रुक्षता भरा रहता था, और उसको हर टाइम ऐसे फील रहता था थोड़ी आई है और कॉन्टिनेंस और कंट्रोल नहीं हो रही, तो मैंने उस टाइम पेशेंट को अपना चंदन बला और एष्टी मधु दोनों का दिया था मैंने, और एक टाइम तो मैंने उसको सहचराधि तेल का स्टार्टिंग में दिया सहचर का, और उसके बाद एष्टी मधु और अपना ये जो मैंने बोला अभी वो दिया था चंदन बला, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। आप उसके मनोहर स्रोत पे और मेध्य रसायन अब देना तो बहुत अच्छा काम करता है पेशेंट पे, क्योंकि वो स्ट्रेस ही उनको ये डेवलप करता है मैम, वात का प्रकोप भी रहता है उसमें। जी थैंक यू मैम। ओके अच्छा दीप्ति मैम, आप बता रहे थे कि वो हेयर फॉल के पेशेंट्स रेफर किया है हेयर फॉल वाले, तो आपने पहले हेयर फॉल के पेशेंट्स में क्या क्या ट्रीटमेंट दी थी और कैसा था मतलब क्या? मैम मेरे पास ना अलग अलग मतलब मोस्टली जो 2-3 पेशेंट आए हैं ना, वो लोग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि एक वो लोग पित्त प्रधान थे, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे हाइपर, और उनका जॉब भी वैसे ही था उस समय। तो मैंने उनको मतलब पहले तो फर्स्ट जब आते हैं तो 15 दिन तो मैं उनको दीपन पाचन विरेचन और ब्राह्मी वटी ही चलाई थी 15 डेज के लिए, फिर बाद में मैंने सर का ना वो प्रवाल पंचामृत गोदुग भावी सर से मंगवाया हुआ है वो चलाया है, और यष्टि मधु तेल का नस्य दिया उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और ब्राह्मी तेल का पिचू दिया है। तो ये स्पेशली जो मैंने देखा है कि 3-4 जो केसेस हुए हैं ना उसमें मेडिसिन तो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चलाई है, पर ऑयल यही चलाया है यष्टि मधु का नस्य और ब्राह्मी तेल का पिचू, तो इसी से बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, मतलब विद इन 1 month ना आपका हेयर फॉल बहुत कम हो जाता है, और साथ में फिर थोड़ा सा उनका डाइट चेंज करने, क्योंकि सबका खाने का पैटर्न मतलब यहाँ पे तो क्या पाव वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, बाहर का बहुत होता है, आते आते ले आए, थोड़ा सा वो चीजें बस ध्यान देना पड़ा डाइट पे, बाकी फिर इसी से रिजल्ट आ गया था मैम। फिर मैंने नरसिंह रसायन भी बोला, और जब 3 महीने का कोर्स कम्प्लीट हो गया फिर आमल की उसमें गुड़ूची और भृंगराज ये 3 का पाउडर मिला के उनको रसायन करके खाने के लिए मतलब भी बोला है कंटिन्यू आगे 2-3 महीना खाने के लिए।
ओके मैम, ये ब्राह्मी तेल का पीछा आप कैसे मतलब बोलते थे रात को धारण करने का, किस तरीके से बोलते थे? मैम मेरे पास ही आके करवाते हैं वो लोग पीछे जो है, तो डे टाइम में क्लिनिक है ना मेरा, तो वो टाइम पे आके करवा के जाते थे, तो वो हर दिन तो पॉसिबल नहीं था, पर जैसे वो वीकली ट्वाइस पीचू उनका होता था। नस्य उन लोग ने डेली डेली लिया है, किसी ने 15 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने वीकली ट्वाइस ऐसे लिया है, बट सब लोगों ने बोला कि हमको रिजल्ट अच्छा आया है। मैम इसमें हेयर वॉश के लिए आपने स्पेसिफिक क्या दिया था क्या? क्या मैम? अभी हेयर फॉल है ना, तो इसमें आप जो प्रधानता है पेशेंट की, तो इसमें हेयर वॉश के लिए आप क्या दिया था? मैम मैंने ना कुछ नहीं दिया था, मेरे पास एक्चुअली एक वो घर का बनाती हूँ शिकाकाई आंवला पाउडर, वो सबका था, वो पैक जो लगाते ना, किसी को डैंड्रफ था तो मैंने उसको बोला कि आप उसमें छाछ मिक्स करके लगाइए, और एक दो पेशेंट को मैंने त्रिफला और उसमें टंकन भस्म और छाछ लगाने बोला था, क्योंकि उनको डैंड्रफ भी था, तो ये मधु एसटी त्रिफला और छाछ ये काफी, और टंकन भस्म ये सर ने एक बार बताया था ये फॉर्मूला, तो ये भी डेंड्रफ में काफी अच्छा इसका रिजल्ट आया है। और थिनिंग जब रहते हैं पेशेंट का तो उसमें हेतु क्या रहेगा मैम? आपने अभी इसमें हेतु क्या, ट्रेस यही एक हेतु है या उसका क्या किसके कारण पेशेंट? एक्चुअली ना एक जो पेशेंट आई थी वो तो मतलब काफी ओबेस भी थी, तो उसमें आमावस्था भी थी, तो कफ प्रधान था, तो वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन ही इस टाइप से लगता है, ग्रहणी दृष्टि है, तो वो उसमें तो मुझे मतलब पंचामृत परपट्टी वगैरह सब चलाना पड़ा था, क्योंकि उसका प्रॉब्लम ही मेन इससे था, डाइजेशन से रिलेटेड था, तो वो ठीक किया तो ऑटोमेटिकली उसका थोड़ा सा हेयर फॉल कम हुआ, फिर ये सब चीजें देने से उसको रिजल्ट आया। ओके हां, प्रवाल पंचामृत में आपने कितने टैबलेट दी थी? मैम मैंने उनको ना दो दो टैबलेट पीडी बोला था। दीप्ति मैम अब ये यशती मधु तेल आपने सर से मंगवाया था? नहीं नहीं मैम, यहीं से ले लिया था मैंने, प्रवाल पंचामृत गोदुख भावित मंगवाया था, बट मुझे लग रहा है कि इसका भी रिजल्ट काफी अच्छा होगा, क्योंकि सारे पेशेंट को वो दिया है मैंने। पाठक सर, सर है क्या मैम? हेलो हेलो मैम, मैं हूँ, बताइए बताइए बताइए। मैंने पिछले बार भी एक आपको क्वेरी पूछी थी अपने सर के, जमदग्नि सर के फॉर्मूला बुक में, तो उसमें लिखा था सर की वात कफ प्रकृति लोगों को जो रहता है गुड़ के साथ ये अपना भृंगराज देना, और पित्त प्रकृति के लिए नहीं देना, देना हो तो शर्करा के साथ, तो ये पित्त प्रकृति को माका स्वर या भृंगराज हम बोलते हैं वो क्यों नहीं देना चाहिए? और आपका सर मैंने एक लेक्चर सुना था यूट्यूब पे, उस टाइम पे भी आपने बोला था कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को भृंगराज स्वरस का यूज किया तो बाल ज्यादा रहते हैं ना, उष्ण वीर्य कौन सा रहता है? हाँ तो सर स्वरस हम शर्करा के साथ दे सकते हैं, लेकिन युक्तिपूर्वक दे सकते हैं। हाँ तो उसका वो ऑयल एप्लीकेशन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो हम सिद्ध करके देते हैं तेल की मूर्छना करके। किसी किसी को रैशेस आते हैं इसीलिए, सबको नहीं, किसी किसी को, सबको नहीं। उनको आप डाइल्यूट करवा के दे सकते हैं थोड़ा नारियल। मैंने खुद अप्लाई किया था सर, और मेरे खुद के बाल उसके बहुत फॉल हो गए, तो मैंने आपको वो यूट्यूब पे देखा था, तो उस टाइम मुझे समझ में आया कि पित्त प्रकृति के व्यक्ति को लगाना सब होता है। पालित्य खालित्य का आप संप्राप्ति देखिए, तो बॉडी में हीट ऑलरेडी रहता है, वो स्काल्प में जाके और हीट की वजह से बाल झड़ने लगते हैं, और आप उसमें और गर्म तेल डालेंगे तो वो क्या फायदा करेगा? ब्रिगराज को टैबलेट फॉर्म में भी नहीं ले सकते हैं, उसको भी शर्करा के साथ लेना पड़ेगा क्या? ले सकते हैं, लेकिन ब्रिगराज उष्ण विरयात्मक होता है। वात कफ प्रकृति में मैम वो गुड़ के साथ बोला है, लेकिन पित्त प्रकृति को शर्करा के साथ ऐसे बोला है, तो मुझे यही पूछना था कि जो स्वरस हम लेंगे, तेल तो लोकल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते, तो वो स्वरस लेंगे चलता है क्या? यही सर को ले सकते हैं ना, भृंगराज जो होता है वो बालों को बढ़ाता है, और हाँ। साणा जो है विजय सर वो नए नए उत्पन्न करता है, ऐसा सर बताते हैं मैम। वो क्योंकि गुड़ उष्ण होता है ना, तो इसलिए पित्तज प्रकृति में उस गुड़ के साथ नहीं बोला, और फिर शर्करा ये शीत रहती है, इसलिए पित्तज प्रकृति में शर्करा के साथ बोला है, और वात कफ में गुड़ के साथ बोला। प्रकृति में विजय सार देना चाहिए पेशेंट को?
विजय सार तो सब लोग को दे दे, सर का अस्नादि योग है ना वो सबको दिया जाता है, अस्नादि योग हेयर फॉल में सर। मैम उसमें ऐसा मैम मैंने ना एक और चीज दिया था बालों में लगाने के लिए ना, वट जटादि ऑयल यूज किया था एक बार, मैंने सर से ही सुना था तो हाँ मैं खुद भी यूज कर रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, वो दिया था। और ना जो पेशेंट जिसको बहुत गुस्सा आता था जिसका मैंने बताया था, तो उसको मैंने सुबह बोला था कि आप जब नहाते हो तो चंदन है, उशीर है, जो ये शीत विरात्मक वाले द्रव्य है ना, तो ये इसका पाउडर दिया था बना के उनको, रक्त चंदन ये सबका उनको बोला कि मैंने आप इसका स्वाद काढ़ा बना लो और इसके इसको पानी में डाल के उससे नहाओ। कोई भी मैंने कहीं सुना था कि जो अपने टिश्यूज होते हैं ना इनको वो मतलब जिनको बहुत हीट होता है तो ये अपने शीत वीर्य खून की वजह से वो मतलब रिलैक्स करते हैं, बॉडी को ठंडा करते हैं, तो ये भी बोला था उनको मॉर्निंग में, तो एटलीस्ट खुशबू भी अच्छी आती है तो आप वैसे ही सुबह सुबह मेंटली थोड़ा सा फ्रेश फील करते हो। ओके हेलो हेलो हाँ जी मैम बताइए। हाँ जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ जी सर, मैं इसमें बताना चाहती हूँ कि मैंने ना अपनी डॉटर के मेरे के बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा था 3-4 साल से, तो अभी प्लस टू करी है उसने, तो काफी इस वजह से स्ट्रेस में रहती थी कि मैं टकली हो जाऊंगी, वॉल्यूम वाइज काफी कम हो रहे थे, तो बीच में जैसे थोड़ी उसको ये भी रही प्रॉब्लम खाना पीना नहीं भूख नहीं, बीच में आपसे डिस्कस करती रहती थी, तो उसके लिए तो उसके उसे देती रही जैसे आरोग्य वर्धनी दी, फिर बीच में लहसुन आदि वटी रस पाचक ऐसे प्रवाल, और अभी ना महीना 20-25 दिन से मैं उसे एक ये मेध्य रसायन है हमारी इसमें भैषज रत्नावली में है, उसमें है जैसे गुरुचि चूर्ण, विडंग चूर्ण, शंख पुष्पी, वचा, हरित की शतावरी और कूट और अपामार मूल चूर्ण है, पर ये दोनों मुझे मिले नहीं थे, तो इसे विषम मात्रा में शहद और घृत के साथ सुबह में देती रही उसे 5 और 6 के बीच में, तो 15-20 दिन में ड्रास्टिक इफेक्ट आया है मैम मुझे ना, मतलब जो उसके इतने ज्यादा नहाते समय गिरते थे बाल बाथरूम में वो मतलब हाफ से भी कम रहे, 1/3 मतलब रह गए हैं अब जो गिरते हैं, तो ये डेफिनेटली अच्छा। इसमें जैसे वर्म्स का भी मुझे लगता है जैसे विडंग चूरन है, बाकी गुडुची है, रसायन का काम करते हैं ये सभी। मैम फिर से क्यों बताइए आपने क्या यूज किया था? मैम ये भैषज रत्नावली में जो रसायन अधिकार है उसमें है 11वां है मेध्य रसायन, ओके तो उसमें गुडुची चूरन, अपामार्ग मूल चूरन, विडंग चूरन, शंख पुष्पी चूरन, वचा, हरित की, कूट और शतावरी, ये 8 चीजें हैं, द्रव्य हैं, तो इनमें से मुझे 6 मिले थे, 2 नहीं मिले थे, अपामार मूल नहीं मिला और कूट चूरन नहीं मिला था, तो हम सबको मिक्स करके इक्वल क्वांटिटी में, और कूट माने तो मैम कुष्ठ, कूट माने तो कुष्ठ, पर मैंने पूछा वहां से जहां से मैंने लिए बाकी उसके पास, कूट कूट को ही कुष्ठ बोलते है ना सर, फाटक सर तो हाँ मैडम बराबर है, कोष्ठ बोलते हैं, कोष्ठ तो ये सर कैसे ऐसे हमें वनस्पति मिल जाएगी बाहर? हाँ चूर्ण मिलता है मैम, मिलता है चूर्ण, कोष्ठ चूर्ण। अच्छा ठीक है मैम, वो शुक्र शोधन में भी बहुत अच्छा काम करता है। ओके हाँ तो ये भी मैम आप मेध्य रसायन है बच्चों में, तो ये इसका वैसे भी मैंने तो वैसे मेमोरी के लिए पढ़ा था इसका जो भैषज रत्नावली में लिखा हुआ है। ओके और मैम वॉल्यूम भी बढ़ता है क्या इससे? मैम अभी जैसे 20-25 दिन ही हुए हैं देते, गिरने कम हो गए हैं बहुत ज्यादा, मैं बता रही हूँ 1/3 पहले से कम हो गए गिरने, तो जैसे 1/3 ही गिर रहे हैं पहले जितने गिर रहे थे उसके कंपेरिजन में, तो नेचुरली जब गिरने कम होंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होएगा। हाँ तो अभी और इसका डोज क्या दे रहे थे आप? मैम डोज में 3 ग्राम बीडी दे रहे थे? नहीं वंस ही दे रही हूँ मैम, सुबह बच्चे को देना ही बड़ा मुश्किल होता है, सुबह तो नींद नींद में आंखें बंद होती है तो मैं चटा देती हूँ, रसायन काल में दे रही थी, काफी अच्छा इफेक्ट आया। डॉक्टर कंचन मैम आप क्या देती हैं बालों के लिए? डॉक्टर कंचन मैम आप थोड़ा बताइए, आप पतंजलि का क्या देते हैं बालों के लिए? प्रणाम सर,
हमारे यहाँ जैसे आंवला चूर्ण है, आमल की रसायन है, सप्तामृत लोह देते हैं सर, मुक्ता शक्ति भस्म देते हैं। बहुत बार जैसे पेशेंट पीसीओडी के साथ हेयर फॉल लेके आ रहा है या फिर वेट ज्यादा है और उसके साथ हेयर फॉल है, तो वो भी सोचना पड़ता है, उस हिसाब से भी हमें मेडिसिन ऐड करनी पड़ती है सर। यहाँ पे स्त्री रसायन वाली भी बहुत बार चलाती हूँ मैं, और जैसे लोहा स्टव वगैरह भी हम ऐड करते हैं सर इसके लिए। और डैंड्रफ हो रहा है तो उस पर भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है, डैंड्रफ के साथ हेयर फॉल है तो डैंड्रफ के लिए भी जैसे टंकन और दही के साथ एप्लीकेशन बोलती हूँ। स्नेहन बालों के लिए जैसे हेड मसाज करो और थोड़ा स्टीम तौलिए के साथ स्टीम लो, वो भी बोलते हैं सर, तो काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं सर जी। थैंक यू मैम, आप थोड़ा ये सेशन को कंडक्ट करिए ना, मेरे एक पेशेंट है, मुझे थोड़ा 2 मिनट के लिए जाना है। जी सर। तो जितने भी कॉस्मेटिक रिजल्ट रिलेटेड विद हेयर्स है ना, वो लोग एक ध्यान में रखे, जो भी आप स्थानिक चिकित्सा करिए, अभ्यंतर चिकित्सा करिए, लेकिन उसके साथ में अगर आपने नस से जोड़ा ना या शिरो पिचू, ये दो चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अभी किसी ने बताया ना ब्राह्मी तेल का, सर के ब्राह्मी तेल का पिचू वगैरह रखा, लेकिन खालित्य पालित्य ये इतना ज्यादा हॉट टॉपिक है एंड इतना इंक्रीजिंग टॉपिक है बिकॉज ऑफ लोकल लॉट ऑफ क्लोरिनेटेड वाटर, जो सिटीज में बहुत हाई ग्रेड क्लोरिनेटेड वाटर यूज होता है, वहां के रोमरंध्र के ऊपर की दृष्टि, अंदर का जो भी आपका अपान दृष्टि और जो भी क्लेजन्य संप्राप्ति या श्रोतारोजन्य मतलब आम जनित संप्राप्तियां, जहां कहीं भी आपकी गृहिणी दृष्टि है वहां पे डैंड्रफ दिखेगा ही दिखेगा। ये प्लीज द रीजन मेरा ऑर्गेनिक हीलिंग सेंटर कॉस्मेटिक सेंटर ही है, लेकिन सब लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं, और मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ ज्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, लेकिन नस्य के रिजल्ट बहुत फास्ट रिजल्ट देते हैं। जब भी आपको खालित्य पालित्य पे करना है, योग तो आप कुछ भी बहुत अच्छे अच्छे चीजें बताइए, लेकिन ये जो भी जिसने बताया क्वालिटी चीज यूज करके आप जो भी है कैल्शियम का जो भी अपटेक है और एब्जॉर्प्शन लेवल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब आप दीपन पाचन कर रहे हैं या आप अनुलोमन दे रहे हैं या बस्ती दे रहे हैं या विरेचन दे रहे हैं, तो इसके वहां पे संप्राप्ति पित्तजन्य होनी चाहिए। वातजन्य तो वहां पे आपको जो भी है मतलब अभ्यंतर स्नेहपान और उसके साथ में नस्य ब्रूहण नस्य और उसके साथ में आप शंख शौक्ति कपर्दिक या जो आपका प्रवाल पंचम, जो भी चॉइस ऑफ चीज है विच यू वॉन्ट टू यूज इट। एक रसशाला कंपनी का कैल्सिप्राल कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, मैं शंख शक्ति कपरदिक का मेरा खुद का कैल्शियम यूज करती हूँ, तो यू अलोंग विद दैट संप्राप्ति कहाँ पे ये देखिएगा, खास करके आजकल के डाइट में जो रुक्ष अन्न मतलब फूड के साथ में रुक्ष अन्न एंड तीव्र मात्रा में अधिक मात्रा में क्षारीय पदार्थ खाना। अब वो क्षारीय पदार्थ बिकॉज यू वेरी वेल नो लवन अधिकता हमारे लेज एंड जो भी डाइट ये चिप्स एंड ऑल अदर थिंग्स अचार देन दीज मायोनीज देन दीज सॉसेज चाइनीज, ये सारी कैटेगरी खालित्य पालित्य करने के लिए एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग है। बिकॉज मेरे एक दोस्त थे एमडी के वक्त में, जब उन्होंने रिसर्च किया था उनका थीसिस इस पे था, तो हमारी बहुत मतलब तभी मैंने कॉस्मेटोलॉजी मेरा बहुत छोटे इसमें था 2008 तक, और 2010 के बाद में मेरा कॉस्मेटोलॉजी सेंटर अलग कर दिया, ओनली वेट लॉस स्किन केयर एंड हेयर केयर, लेकिन पर्टिकुलरली आजकल छोटे बच्चों में प्री एजिंग अर्ली एजिंग एंड खालित्य पालित्य के साथ में इन्फेक्शियस रूट जो रहते हैं, मतलब डैंड्रफ बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है और उसके बाद में दिख रहा है, तो वो जरूर देखिए कि जो भी अभी मैडम ने भी बताया वो भी योग बहुत अच्छा है। केश चूर्ण है, केश रंजन तेल है, हमारे ग्रंथ में इतने अच्छे अच्छे यूज वगैरह बताए, लेकिन पर्टिकुलरली मेरा जैसे आमला की यूज त्रिफला यूज बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि त्रिफला के दोष न होने के साथ में अपान पे भी बहुत अच्छा काम करता है, और मैं नस्य के ऊपर ज्यादा प्रधानता देती हूँ बिकॉज मैंने 1 साल सर के साथ में जो भी लर्न किया नस्य केस में, तो मेरा पर्टिकुलर यू वेरी वेल नो जिसका 100 थायराइड और ये सारा लेवल है तो हेयर लॉस बहुत सीवियर होता है, तो मेरे हेयर फॉल पे काफी डिफरेंस नजर आया, बहुत सीवियर जो होता था वो कम हो गया है। इट इज अनदर डिफरेंट थिंग कि आपने उतना केयर भी करना चाहिए, और जो इसका बोल रहे हैं आप वॉश और एप्लीकेशन का, बिलीव कीजिए आप अगर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट भी मिल रहा है, आपने उसको लोकल चिकित्सा भी दे दिया वो रुक गया, बट इट इज अ डेली केयर एंड हाइजीन थिंग, क्योंकि आप जो भी
पोल्यूशन, सनलाइट, एक्स्ट्रा ओवर रेडिएशन, इसको जो एक्सपोजर जा रहा है वो आपकी त्वचा का हिस्सा स्कल्प और उसके जो बालों का हिस्सा है विच आर एक्सपोज टू ऑल दिस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यू नीड टू गिव वेरी गुड शैम्पू एंड वेरी गुड एप्लीकेशन ऑल्सो. ओके, द रीजन इज दैट कि आपने अंदर से तो अच्छा कर दिया, आपने लोकल इतनी मेहनत भी ले ली और फिर वो क्या करता है जब अपने से चला जाता है उसका ट्रीटमेंट बंद हो जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हार्डली 2-3 महीना या 4 महीना लेता है इंसान, उसके बियॉन्ड कोई भी लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट नहीं लेता अंटिल अनलेस यू आर देयर फैमिली फिजिशियन. तो सी दैट कि यू ऑलवेज गो फॉर कि जिसका पीएच इक्वल टू स्किन पीएच हो वो वाला शैम्पू, नेचुरल ऑर्गेनिक. Usually I prefer aloe prepared preparations, लेकिन आप देखिए कि उसको शैम्पू और कंडीशनर अलग अलग होना चाहिए, बिकॉज नेवर देर शुड बी कंडीशनिंग आइज ओनली फॉर हेयर्स फॉर क्लिनजिंग. आप जब देखेंगे तो उनका बहुत दिनों से ओवर यूज ऑफ सेल्सन एंड बहुत हैवी केमिकल जिनका पी एच बहुत हाई रहता है, ऐसे शैम्पूज का यूज होने की वजह से रोमरंध्र के वहां पे जो भी दुष्टि है फिर वो पूरी तरह से वहां का रुक्षता, खर गुण, परुष गुण, ये सब कुछ बढ़ने के बाद में वहां का पूरा नरिशमेंट लेवल कम हो जाता है और फिर उसके बाद में बालों की खराब होने लगती है. तो ये भी आपने हिस्ट्री लेना. वेरी गुड रोल इन टू हेयर फॉल. अनुरिता मैम, रसशाला का कौन सा बोला आपने? बोला ना. हेलो मैम, नस में प्रकृति वाइज नस चेंज कैसे करें हम, वातज पित्तज कफज प्रकृति वाइज? मैम आपने प्रकृति वाइज चेंज करने की बजाय जो विकृति है उसके दोषों के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. प्रकृति का विचार जो भी है, आहार और संप्राप्ति कैसे तैयार होती है, मतलब इन शॉर्ट पेशेंट पित्त प्रधान है और उसको अगर अम्ल पित्त हो रहा है तो आपको जो भी है उसका उष्ण गुण, सरगुण और उसका तीक्ष्ण गुण तीनों भी कम करने. लेकिन पेशेंट कफ प्रधान है और फिर उसको अगर पित्त प्रधानता है तो इसका मतलब उसका उष्ण गुण काफी बढ़ा हुआ है कि जिसने उसके कफ का भी क्षीण कर दिया है. तो ये यू शुड ऑलवेज सी कि व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग अबाउट दोषास यू शुड सी दैट हाउ विकृति हैज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द दोषास इन्वॉल्विंग इन टू द विशिएटिंग दोषास विकृति, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करिए. क्योंकि हमारी अगर शमन चिकित्सा ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है तो उस फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में दीपन पाचन जिसकी वजह से धात्वाग्नि लेवल और जठराग्नि लेवल बढ़े और उसके साथ में फिर स्थानिक जो भी दो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं उसका परुष खर और मतलब वृक्ष गुण से जो भी केस झड़ रहे हैं, कोर्सनेस है एंड फॉल इज वेरी मच, मतलब बहुत कम है और उसके बाकी का प्रकृति भी उसमें एड अपॉन हो रहा है, तो अंतरपान दीजिए और नशे जो है केसरी तेल है, शिंगला तेल है, बहुत अच्छा फायदा देता है, ब्राह्मी तेल है, अच्छा फायदा देता है. लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं पेशेंट पित्त प्रधान है उसकी वजह से उसके बाल भी पतले हो रहे हैं, उसको दाह भी है, कभी कभी कंडू और खरूज ऐसी भी चीजें रहती है, इन्फेक्शस रहती है, तब वहां पे आप उष्ण तेल की बजाय शीत प्रधानता है चंदन वाला लक्षादि में जो एप्लीकेशन है वो बहुत अलग अलग तेल बनाती हूँ, केश तेल कोई एक प्रोमिनेंट तेल मेरा ये नहीं रहता है. लेकिन तेल आजकल बहुत मतलब आपको भी पता चलता होगा ट्रीटमेंट के वक्त में लेते हैं, कोई भी गंजापन करके नहीं आता है आलेप के लिए. That's the reason your treatment should be broad spectrum according to patient. तो जो दोष है अगर पित्त प्रधानता है तो आपका शीत गुण प्रधान तेल होना चाहिए नशे के लिए. और अगर आपको ऐसे लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा secretions है, जैसे मैं अभी एक केस शेयर करती हूँ उसका पालित्य बिकॉज ऑफ सोरियासिस था, पेशेंट 25 years की है लेकिन वो सोरियासिस उसका 10 साल से था. She came out to be PCOD and Aryan don't go बेटा उसका इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिवर भी था जिसमें लिवर सिरोटिक तो नहीं बट फैटी लिवर एंड पीसीओडी प्लस देर वर मल्टीपल स्टोन. तो मैंने वो मेरे पास में स्किन ट्रीटमेंट के लिए आई थी, फिर उसका उसने बालों का पूरा लड़की एकदम यंगस्टर लड़की और पूरा गंजापन उसका मतलब एकदम बाल झड़ रहे. लेकिन राउंड अबाउट इट टुक मी 6-8 months मुझे रूट को, लेकिन वो मतलब पेशेंट ने फेथ रखना चाहिए. उसका आज भी हर वीक वेरिएशन चलता है, आज भी हर वीक द रीजन हिपैटोमेगाली अगर है फर्स्ट ग्रेड ये उसके किडनी स्टोन चले गए, उसका हिपैटिक लीवर कम हो गया है, तब उसके बाद में उसके केश का जो भी पतन है वो कम है बिकॉज जब सोरियाटिक है तो उसका जो भी है इन्वॉल्वमेंट ऑफ रस रक्त मांस तीनों भी चीजें, तो वही दृष्टि स्काल्प के वहां पे भी होगी. तो इस हिसाब से वहां पे अगर आपको देना है
तब शिरो पीछे से शुरुआत करिए, और नस्य अगर देना है तो वहां पे कोई भी तीक्ष्णता ना हो, तो जैसे भी उसके स्किन के ऊपर सारे जात्यादि तेल चलता है, शोधन तेल, रोपण तेल, क्योंकि बहुत से मतलब आप पिक भी नहीं दे पाएंगे ऐसे वो पेशेंट, लेकिन नाउ हार्डली 10% उसका सोरियासिस रह गया एंड शी इज अबाउट टू गेट मैरिड, उसका मैरिज नहीं हो रहा था, नाउ शी इज 27. हाँ, अनुरिता मैम एक डाउट है, इफ पेशेंट का पित्तज प्रगति है और उसको हम यष्टिमध्य तेल का नसिया देते हैं और उसको एलर्जिक राइनाइटिस का भी प्रॉब्लम है तो चलेगा क्या? मैम एलर्जिक राइनाइटिस ये संप्राप्ति अलग है, और उसको अगर आपको केश मतलब केश के लिए देना है कि हाँ हेयर फॉल बहुत हो रहा है उसको और एलर्जिक राइनाइटिस का भी प्रॉब्लम है तो मतलब हम तो उस वक्त प्रेफर करेंगे कि जैसे अड़ू तेल या षडबिंदु तेल का नसिया देना, मैंने वहां अड़ू तेल षडबिंदु फिर क्या करेंगे? हाँ, तो वहां पे आप शेरबल्ला और अनु तेल व्यत्य साथ देके देखिए, व्यत्य साथ मेनी अ टाइम यू हैव टू डू दिस ट्रायल. द रीजन इज दैट कि उसका सर्दी जुकाम खांसी के लिए उसका संप्राप्ति मतलब लोकली है या बहुत क्रॉनिक है, उस चीज के हिसाब से बृहन नस्य करना है तो शेरबल्ला यष्टि भी चलेगा. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसका कफ दोष उसके कफश दोष संप्राप्ति उसके बालक के झड़ने के लिए वगैरह है, तभी आप बाकी के तीक्ष्ण नस्य वगैरह चलाइए. और दूसरा चीज ये कि मेनी टाइम सर्दी और ये सारा जो एलर्जिक वगैरह सारी चीजें हैं, ये नस्य से आप कोई भी नस्य दे दोनों को भी बेनिफिट मिलता है, हेयर फॉल को भी और इसको भी, अंटिल अनलेस वो बहुत शीत तेल ना हो. जी तो यहाँ पे मतलब ये समझेंगे कि यष्टि का इतना रोल हम डोमिनेंसी में नहीं लेंगे, उसके प्रकृति वाइज नहीं जाएंगे. मैम मतलब जो अपने पास में केस आता है ना मैम, वो विकृति और संकर लेके आता है, मतलब व्याधि और संकर लेके आता है. जैसे अभी एक पेशेंट की केस डिस्कस हो रही थी, देखिए 8 बजे केस में, कि वो तो आ रही है वो लड़की के डॉक्टर के पास में कि मुझे इनकॉन्टिनेंस दूर करना है, लेकिन उसके पीछे की इतनी सारी संप्राप्ति है, कितना भी आप चंद्रप्रभा दीजिए और कितना भी आप उसको गुक्षरा दीजिए, इट विल बी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जस्ट लाइक फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक. तो वैसे केश क्योंकि स्किन ट्रीटमेंट एंड हेयर फॉल ट्रीटमेंट आजकल बहुत बड़ा क्या बोलते हैं क्रेज है कॉस्मेटोलॉजी, लेकिन बिलीव मी आयुर्वेद जो रिजल्ट देता है they are very good if you go on to the root cause. तो जैसे विकृति है, किस तरीके से संप्राप्ति भंग हुई है वो देखिए, प्रकृति तक भी जान, जब हम आहार्य चिकित्सा देते हैं, जब हम शमन चिकित्सा देते हैं तब रोल अलग रहता है, जब आप अपनर्भव चिकित्सा देते हैं तब आपको जो भी उसके प्रकृति के हिसाब से रसायन सिलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके विकृति ने कौन कौन से धातुओं को लीन किया है या खराब किया है या क्षयात्मक संप्राप्ति तक लेके गए, उस हिसाब से हम फिर असल, तो दीज आर द स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट विच आई डिसाइड. मे बी शायद इसमें कुछ एडिशन अरविंद पाठक सर करे, बट मेरा जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्रॉनिक डिसीजेस में रहता है वो ऐसे पहले विकृति, विकृति के साथ में शमन चिकित्सा, शोधन चिकित्सा, उसमें जैसे संप्राप्ति भंग होता है, देन सामावस्था फॉल द दोषस एंड देन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में या लाइफस्टाइल चेंजेस में उसके प्रकृति के हिसाब से उसकी चर्या, और उसकी जैसे आप चर्या ठीक करते हो उसका हेतु वगैरह बंद होता है ऑटोमेटिकली, व्हेन ही कम्स 3 to 6 months वंस द रिपोर्ट कम्स टू नॉर्मल देन स्टार्ट विद द अपनर्भव चिकित्सा. अपनर्भव चिकित्सा खत्म होने के बाद में उसको एक दीर्घकालीन रसायन दीजिए और बुलाइए उसको वासंतिक वमन के लिए बुलाइए, रक्त मोक्षण दीजिए. मेरे आज भी स्किन पेशेंट मेरा जो डिटॉक्स, क्योंकि हर कोई तो बस्ती और पंचकर्मा के लिए रेडी नहीं होता है, इसकी वजह से मैंने एक बहुत कॉमन फॉर्मूला डिटॉक्सिफिकेशन का निकाला हुआ है 3 layers में. मैं उनको बोलती हूँ कोई मतलब जरूरी नहीं कि आपको आयुर्वेदिक ही जो भी है वो, आप एक अच्छा रसायन लीजिए और उसके साथ में महीने में 2 या 3 बार विरेचन या ये लीजिए, और जिस वक्त में अक्टूबर हीट है तब आप जो है अपना ब्लड डोनेशन है वो करिए. तो ये सारी चीज से फिर पेशेंट को वो ऋतुचर्या की आदत लगा देते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है. ओके थैंक यू मैम. कॉस्मेटिक पे और किस किस का इंटरेस्ट है? बोलिए, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, बिकॉज इतना प्रॉब्लम है आजकल हेयर फॉल और इसका, और अर्ली एजिंग, प्री मैच्योर एजिंग, ये बहुत मतलब इट्स अ वेरी बिग टॉपिक इन दिल्ली. मैं उस पर काफी काम करती हूँ, तो अगर किसी की कुछ एक्सपीरियंस है कुछ केसेस है तो शेयर करिए. मैम बहुत अच्छा बता रही थी अभी. हेलो, गुड इवनिंग मैम. या मैम, मेनोपॉजल पेशेंट में जो होता है हेयर फॉल उसमें क्या करते? यस मैम, मेनोपॉजल या थायराइड या हार्मोनल इम्बैलेंस, तीनों में से कोई भी चीज अगर है, दे आर 90% रिलेटेड विद ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस
एंड सेकेंडली गृहिणी दृष्टि. यू वेरी वेल नो मेनोपॉजल के बाद में जो भी है मनोवह भी वात प्रकृति या वात जो मतलब हमारी अवस्था है उसमें वात प्रकोपजन्य संप्राप्तियां ये सारी चीज की वजह से आपको जो भी है मतलब अभ्यंतरपान दीपन पाचन और उसके साथ में एक बहुत अच्छा आपको कैल्शियम कॉम्बिनेशन देना चाहिए. मैंने सारा जितना शंख शक्ति कपरदिक हमारा जो गण है सुधा वर्ग एक ही टैबलेट में डाल दिया है. एंड टूडे आई गिव टू ईच एंड एवरीबडी वेयर देयर इज विटामिन D3 डिफिशियंसी एंड कैल्शियम डिफिशियंसी. द रीजन नॉट ओनली हेयर फॉल बट देर इज अ पर्टिकुलर थिंग आजकल जो पेन होता है एक्स होते हैं बॉडी में एक्स यूजुअली जो पहले ठंड में या 40s के बाद में होते हैं आजकल बच्चे बोलते कि बॉडी अंग मर्द हो रहा है बॉडी एक हो रहा है और कोई भी बुखार वगैरह की हिस्ट्री नहीं रहती है. When you check upon, you'll see vitamin D3 at a very alarming level, 25 के नीचे. तो वहां पे आपने मतलब गृहिणी और ये चीज पे देना ही चाहिए. मेनोपॉजल डिसऑर्डर पे तो एक अच्छा अंजना मैम का मुझे काफी दिनों से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ लेकिन बढ़िया सा लेक्चर होना चाहिए. द रीजन देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेज विच आर क्रिएटिंग हेयर फॉल देन ब्लैकनिंग ऑफ द स्किन देन ओबेसिटी. थायरॉयड अगर पेशेंट रहेगा तो दोनों भी दिखता है लीनिंग ऑफ द बॉडी एंड ओबेसिटी दोनों भी चीजें दिखती है. एंड अलॉन्ग विद दैट नॉट ओनली जिसे बोलते हैं हेयर लॉस एंड कोर्सिटी ऑफ द हेयर्स बट देर इज अनदर प्रॉब्लम विच यू से पेटिक्यूल स्किन हो जाती है मतलब बोलते हैं ना लूज फ्लैबी एंड एक बोलते पैची स्किन पिगमेंटेड स्किन वो हो जाती है 50s के बाद में 40s के बाद में. ये आजकल केसेस बहुत ज्यादा आते हैं कि जिनको अपनी स्किन के ऊपर काम करना होता है एंड इट इज पर्टिकुलरली पोस्ट मेनोपॉजल ओनली. तो दैट इज लॉट ऑफ थिंग्स आर एक्चुअली रिलेटेड विद योर डिफिशियंसीज ऑल्सो. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिकॉज गृहिणी दृष्टि के इतने सारे हेतु हमारे इसमें है ही. इट इज रिलेटेड विद योर सुधा वर्ग देते हैं आप तीपन पाचन देते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है. और मनोवह पे काम खास करके जब भी लेडी 40-50s के बाद में आते हैं उसको सबसे पहले उसकी निद्रा का ये पूछिएगा कि रात को अच्छे से नींद आती है क्या. ऐसे इसमें आपको फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नस से देना पड़ता है. जी मैम नस्या कौन सा प्रेफर करें इसमें किस तरह का प्रेफर करें. मैम आई यूज क्षीरबला आई यूज यष्टि मधु आई यूज घृत आई यूज ब्राह्मी घृत. और जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ अगर विकृति है तो विकृति के जब आपको मालूम है कि कोई भी पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेशेंट बोल रहा है कि नहीं मेरे बालों में जलन जैसे आज मुझे पेशेंट था वो इस ठंड में बोल रहा है कि मुझे जलन हो रही है स्किन पे और बाल उसके जो भी है झड़ रहे तो 101% वहाँ पे पैतृक संप्राप्ति है. तो जो भी है चंदन रिच सारे इंटरनल ट्रीटमेंट उशिरासव वगैरह के साथ में उसको जो नस्य दिया जाता है उस वक्त में हम तीक्ष्ण नस्य या प्रधान नस्य या वचा कुछ भी नहीं यूज कर सकते. बेस्ट वे इज यष्टि मधु तेल. जटामांसी तेल यूज करती हूँ मैं. मेनी अ टाइम आई यूज जटामांसी व्हेन 50+ बीपी एंड इनसोम्निया इज देयर. तो आप जो भी हेयर फॉल पे काम कर रहे हैं ना प्लीज बिलीव मी यू विल बी वेरी वंडरफुल ट्रीटमेंट गिवर्स इन अपकमिंग टाइम बिकॉज बहुत बहुत ज्यादा लोगों का क्रेज है आयुर्वेद की तरफ से करना. तो एकदम प्रिसाइज प्रैक्टिस फुल फ्लश करिए हेयर फॉल के ऊपर. नॉट ओनली हेयर फॉल इन लेडीज बट यू वोंट बिलीव बाल्डनेस इन लेडीज हैज इंक्रीज बाल्डनेस. आई हैव सीन कंप्लीटली बाल्ड गर्ल्स. और इसके हेतु जब आप निकालेंगे 90% हेतु होटल मेरे पास में अभी जस्ट कल ही आएगी वो मेरी डायबिटीज की केस मैंने शायद डिस्कस की थी. यू वोंट बिलीव इट लास्ट 4 ईयर की ट्रीटमेंट के बाद में उसका HbA1c 12.6 ही निकला. 350 उसकी शुगर है उसका कोलेस्ट्रॉल 600 and 300 है और उसकी 12 गोलियां एलोपैथिक वाली मुझे बंद करनी है. एज है 30 और उस पेशेंट को मैंने ये मतलब नाड़ी और सारा कंसल्टिंग के बाद में मैंने ये बोला था आप जब तक पूरा स्क्रीनिंग नहीं कराएंगे मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू. क्या रहता है सवालात इतने रहते हैं कितना दिन में कब करेंगे इतना. मैं एक ही बोलती हूँ 4 साल पहले आपने इंजेक्शन शुरू किया टैबलेट लिया सब कुछ ग्लाइसिफेज ये फॉर्मिन मेटफॉर्मिन सब ले रहे उसके बावजूद अगर आपका 12.4 का 12.6 ही है हैव पेशेंस 4 साल के कॉम्बिनेशन में आपको 40 हफ्ता मुझे देने हैं और उसके बाद में अश्योरिटी इतना है कि वी वोंट गिव यू एनी साइड इफेक्ट ऑन योर लिवर किडनी और शुरू करें. कमाल हो मैम आप ग्रेट ग्रेट मैम. थैंक यू नहीं मैम ग्रेट नहीं एक्चुअली ये पैनल ऐसे है ना कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मैम. हमें कोई सिखाने वाला नहीं था और आज सब लोग जो भी यहाँ पे है ना खास करके फ्रेशर्स
आप सच में बोल रहे हो, बहुत इतने स्पेशलाइज वाला ये करिए, आप प्रैक्टिस करिए, बाकी तो जनरल लीजिए, लेकिन एक ऐसी महारत्ता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने धुरंधर, इतने अच्छे प्रैक्टिशनर, छिलके मैम, आशा मैम, तिवारी मैम, देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीजें बताती है, अंजना मैम जब बोलती, तो इन सबका बेस्ट लेके ना एक, अभी किसी ने तो भी ग्रुप में डाला था, सॉरी टू से आई डोंट नो द नेम, लेकिन मुझे बहुत कम टाइम मिलता है, और आज मैंने थोड़ा रेस्ट लेने के लिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए नहीं गई हॉस्पिटल से, तो मैंने देखा कि हाँ सीमेन में आई थिंक देयर इज सम पस सेल्स, मैंने इट्स कॉल्ड सीमेनुरिया, तो ये जो एलोपैथ की कंडीशन है ना, आई वाज आल्सो, मैं मॉडर्न प्रैक्टिस लोगों के साथ में बैठने के बाद में मुझे तो इतना डर लगता था, मैं आयुर्वेद कैसे बोलूं, एंड आज वो बिकॉज यू वोंट बिलीव इट, बहुत स्ट्रगल किया है, तो इट इज नॉट सीमेनुरिया विच वी हैव टू ट्रीट, तो उसके लिए तो सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट दे दीजिए, शिलाजीत दे दीजिए, गोश्रवादी गूगल, चंद्रप्रभा, इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा, एंड एवरीबडी विल से वेरी गुड, वेरी बेस्ट रिजल्ट देन एलोपैथिक एंटीबायोटिक, बट आर वी जीबी प्रैक्टिशनर्स, नो, वी आर कंप्लीटली आयुर्वेदिक चिकित्सक, तो आयुर्वेद वाचस्पति, आयुर्वेद चिकित्सा अगर देनी है, रूट कॉज, आहारम विहारम विधि, जो भी आपका पथ्य अपथ्य लाइफ स्टाइल, इसके साथ में दीजिए, यू सी प्रॉपरली विल गेट द रिजल्ट. Thank you so much. और किसी का स्किन का केस है तो डिस्कस करिए, अच्छा टॉपिक निकला है. कंडीशनर के लिए क्या यूज करना चाहिए ये बताओ ना मैम. मैम मेरा प्रैक्टिस बहुत अलग है, मैं ट्रायल बेस पे अभी, जैसे तकरारिस्ट और ये जो है ना मैडम, इतने पापड़ फेस पैक बनाने से लेके ऑयल बनाने तक मेरा सारा काम मेरे फार्मेसी में मैं खुद करती थी, अभी बहुत बिकॉज टाइम नहीं मिलता है मुझे, लेकिन जितने हमारे गन है उसमें से मतलब जो वर्ण्य गन है, केशीय गन है, जो हमारा सुधा वर्ग है इंटरनल ट्रीटमेंट के लिए, बाह्य ट्रीटमेंट के लिए मेरा चंदन वाला, लक्षादी, नागरमुथा वाला, ये सारी चीजें जो भी उससे सिद्ध तेल, ये सारे ऑयल प्रिपरेशन मैंने 4-5-7 तरीके से बना के रखे हुए, दे आर वेरी 20% पीपल अभी ऑयल प्रेफर करते हैं. शैम्पू मेरा स्पेसिफिकली एलो बेस्ड ही है, इम्पोर्टेड ही है, इट्स कॉल्ड एलो होबा शैम्पू, मेरा कंडीशनर स्पेसिफिक है, जिसके अंदर रॉयल जेली, एलो होबा एंड कोरफड ही रहता है. द रीजन देर इज नो एनी शैम्पू जो झाग करता है और उसके अंदर सोडियम लॉरल सल्फेट नहीं है मार्केट का, उसके बजाय आप शिकाकाई बनाइए, आप रीठा बनाइए, मैंने बनाया हुआ है, लेकिन आप जब कॉलेजियर्स को, यंगस्टर्स को देते, उनके पास में समय नहीं रहता, और सबसे मेन चीज अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है. तो अभी मैं मतलब लास्ट 26 ईयर्स में से लास्ट 15 ईयर्स आई एम इम्पोर्टिंग फ्रॉम US, तो एलो बेस्ड है, ऑर्गेनिक है, कोई सोडियम लॉरल सल्फेट नहीं, राउंड अबाउट 1700 केमिकल्स आर बैंड बाय USA इनटू कॉस्मेटिक वर्ल्ड बिकॉज दे आर 101% प्रूवन इधर कार्सिनोजेनिक, इधर लिवर एंड किडनी मतलब फॉल्ट करते हैं. देर इज अ लिस्ट डिक्लेयर्ड बाय मॉरिशस, लेकिन उसमें से सिर्फ 200 केमिकल्स UK ने बैन किए हैं, और हमारे इंडिया में सारे केमिकल बेस्ड, ट्राइक्लोसैन से लेके पैराबेन तक सब कुछ हमारे शैम्पूज, और तो आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट देंगे वो अगर मार्केट में जाके मतलब 10% आयुर्वेदिक और 90% केमिकल वाला, 20% आयुर्वेदिक और 80% केमिकल वाला, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी यूज. द रीजन इज दैट सबसे बेस्ट एब्जॉर्प्शन आपके हेयर्स में, आपकी हेयर्स की रूट में इमीडिएट होता है, यहाँ तक कि आपका UVA, UVB ऑयल एंड आप जो भी एप्लीकेशन करते हैं आपके स्किन से बहुत फास्ट. द रीजन इट इज अपर क्वाड्रेंट वेयर यूवी बहुत जल्दी सनलाइट ये होता है, तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन लेवल है वहां पे आपको उसका भी ध्यान देना. केमो इंड्यूस्ड बल्डनेस, इस पे मेरा बहुत स्पेसिफिक काम है, यहाँ तक कि भौहें उड़ जाती है, शरीर की लौ खत्म हो जाती है, तो ऐसे इसमें काम तो मुझे बहुत स्पेसिफिक रखना पड़ता है. और किसी का एक्सपीरियंस होगा तो जरूर बताइए. वंस अपॉन अ टाइम इन 2006 तक आई वाज यूजिंग दैट नाइल वाज देयर समथिंग और व्हाट, और शिकाई का एक प्रिपरेशन मिलता था, बट उसके बाद में मुझे जब पता चला कि ये झाग करता है तो इसका मतलब इसमें सोडियम लॉरल सल्फेट है, और SLES एंड ट्राइक्लोसैन पैराबिन पे मैंने मतलब जो पूना की सबसे फर्स्ट बैच कॉस्मेटोलॉजी की, वहां पे मैंने ऑर्गेनिक ब्यूटी इसमें काफी सेशंस वगैरह लिए. दिल्ली में भी मैं गुड़गांव आती हूँ तो मैं एंटी एजिंग के लिए आती हूँ सेशंस देने के लिए, तो आई नो आई हैव लर्नड अ लॉट. सीरियसली द पीपल ऑफ कॉस्मेटिक वर्ल्ड इज प्लेइंग विद द पीपल, और इंक्रीज ब्रेस्ट कैंसर, इंक्रीज स्किन कैंसर इज नॉट बिकॉज वी आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ रेडिएशन, इट इज वन ऑफ द फैक्टर,
but we are exposed to lot of chemicals because of our personal care and skin care things. उस पे ध्यान दीजिए. Take a history. Always take out history. हमेशा पानी या हमेशा ये नहीं रहता है. लेकिन जैसे अभी मैडम ने बताया मेनोपॉज पे स्पेसिफिक फैक्टर हुआ. इन फैक्टर्स के ऊपर काम करेंगे ना, और पर्टिकुलर खाने के पदार्थ निकालिए. मैडम हमारा रिसर्च इतना पक्का था, अभी मैं वो निकालूंगी ना 25 साल पुराना, तो मिल जाती है मुझे कॉपी. तो कितना चम्मच सॉस लेने से या कितना चम्मच पिकल लेने से कितना किलो सॉल्ट 6 महीने में जाता है 10 में, ऐसे हमने वो उस वक्त में स्टडी किया था खाली तपालित के ऊपर जब हम कर रहे थे. बट बहुत इतना डीप स्टडी नहीं होता है. बोली. जैसे पर्टिकुलर एरिया, जैसे अभी तक मेरे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं है, लेकिन मैंने जैसे देखा है मैम, पिगमेंटेशन एक आजकल बहुत होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, और किसी किसी को पहले भी हो जाता है मैम. वो एक सवाल. और दूसरा ये था मैम, जैसे पर्टिकुलर एरिया चेहरे का एक साइड का गाल बहुत काला हो जाता है मैम, स्किन रफ होती है, और उसके ऊपर थोड़े से दाने भी होते हैं किसी किसी को, या फिर वहां के बाल भी थोड़े से ना मजबूत कह सकते हैं, ज्यादा काले से लगते हैं. मतलब वो ये नहीं होता कि मैम जैसे हम बोलते हैं ना जन्म से है कुछ, लेकिन नहीं, जन्म से नहीं मैम. आजकल है ना मेरे पास में तो मेल पेशेंट भी पिगमेंटेशन वांग जैसे बोलते हैं ना, एक पहले बटरफ्लाई पिगमेंटेशन विच वाज इन द गर्ल्स और नॉट गर्ल्स, लेडीज ऑफ 40s एंड पोस्ट प्रेगनेंसी. लेकिन अभी जो है भौहें के ऊपर, नाक के ऊपर, मेल्स में ये सारा चीज हो रहा है. तो इट्स अ नीड टू स्टडी. लेकिन मैं यूजुअली जो भी इसको ट्रीटमेंट देते वक्त में बहुत क्लासी ट्रीटमेंट है, मैं सोप्स चेंज कर देती हूँ, क्रीम्स चेंज कर देती हूँ, इंटरनली वर्निगन चलाती हूँ. कभी कभी मुझे अगर ऐसे लगे कि वहाँ पे ईचिंग है, रफ एंड स्किन है, थर्ड लेयर तक आपको पूरा पोरस वगैरह दिख रहा है, तो वहाँ पे मैंने कभी कभी कंडुम नगन भी चलाया है. और दूसरा चीज ये कि मेरा जो पैक का कॉम्बिनेशन है उस चीज में मैं इसमें गार्ड डाल दूंगी. बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ पे जो कॉस्मेटिक का प्रैक्टिस करते, लेकिन दारू हरिद्रा, हरिद्रा चंदन, सारीवा मंजिष्ठा, ये मेरा हार्डकोर कॉम्बिनेशन रहता है. लेकिन उसके साथ में जो मैं एप्लीकेशंस यूज करती हूँ, तो जैसे मैं इससे पहले मैंने एक बार एलोफोस बताया था कि मैं डेटॉल नहीं यूज करती हूँ डीप वुंड और क्लींजिंग के लिए, तो ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जिसके साथ में मैं यूज करती हूँ, तो आपको रिजल्ट. लेकिन यू नीड टू वर्क आउट ऑन द स्किन क्लींजिंग्स ऑल्सो, क्लींजर्स ऑल्सो और एप्लीकेशन ऑल्सो. और दूसरा चीज ये कि जिसमें भी वांग और पिगमेंटेशन क्रॉनिक है मोर देन 2 to 3 years, 101% दैट पेशेंट इज इन टू हार्मोनल इम्बेलेंसेस, पर्टिकुलर हार्ड कोर हार्मोन्स टेस्टोस्ट्रॉन जिसे बोलते कि एस्ट्रोजन या ये, और अगर वो नहीं है तो मनोचिकित्सा और रात्रि का जागरण ये हेतु आपको पक्का मिल जाएगा. दे आर ऑल द टाइम अंडर स्ट्रगल स्ट्रेस एंड सम ऑफ द अदर दिस थिंग, तो वहां पे आपको जो भी है मन वो पे काम करना ही पड़ता है. 90% फीमेल आर ऑलवेज रिलेटेड विद देयर गर्भाशय, जो भी सूतिका अवस्था और गर्भाशय की जो भी हार्मोन्स है उससे रिलेटेड बहुत. जब तक आप उसकी फाइब्रॉइड पीसीओडी को रिजल्ट नहीं देंगे तब तक आपको कोई रिजल्ट, कितना भी आप अच्छी क्रीम, अच्छा कॉम्बिनेशन चला ले, अच्छा, बहुत वक्त लगता है क्योंकि पिगमेंटेशन को रिकवर करने के लिए. आई यूज एपिब्लांक, एपिब्लांक में बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन में अंदर डाल दूंगी, नेचुरली व्हीट, देन सेना, देन हॉर्स, देन बार्ली, ये सब चीज का एक्सट्रैक्ट है, ऑयल फॉर्मेट में है वो, और उसके साथ में एलोजली प्रोपोलिस यूज करती हूँ एप्लीकेशन के लिए, एंड सोप तो सबको मालूम है मैं क्या यूज करती हूँ. तो अलॉन्ग विद दैट आपका इंटरनल जो भी ट्रीटमेंट है, रक्त दोषांतकपात है, रक्त पाचक है, कंडुग्न वर्ण्यगन है. लेकिन माय लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी स्किन, अगर कॉस्मेटोलॉजी में आपको ये करना है तो अच्छी तरीके का, मैं मतलब मेरा ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोजेक्ट परभनी करके हमारे महाराष्ट्र का एक एरिया है, वहां पे हल्दी बनाई जाती है, उगाई जाती है, तो वहां का प्लांटेशन है, और मैंने उस एरिया में राउंड अबाउट 300 फार्मर्स के साथ में पूरा 2 साल काम किया है. तो मैं, मुझे इतना मेहनत लेना पड़ता है, मैं वहां से रॉ मंगाती हूँ फिर बनाती हूँ. तो वैसे आप हल्दी बना लीजिए, अगर आपने अच्छा हल्दी और अच्छा चंदन. तो यू कैन बिकम अ वेरी गुड कॉस्मेटोलॉजिस्ट. और बाकी आपके पास में काढ़े सब रेडीमेड है, रक्त दोषांतकवात है, उसके बाद मंजिष्ठा है, महामंजिष्ठा दिक्वात है, पुनर्नवा, जहाँ कहीं भी गर्भाशयजन्य संप्राप्ति है, अशोक, पुनर्नवा एंड गोक्षुर, ये 3 चीजें आपको चलानी ही पड़ती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है. और एक कोई सेशन में मैंने देखा था पारिजातक पत्र से कुछ लेखन कार्य वगैरह, वो मुझे, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है वो चिकित्सा, घर्षण चिकित्सा शायद,
अगर किसी को मालूम होगी तो वो वीडियोस मैंने देखे हुए, बट आई डोंट डू दैट। मैं वेदन कर्म करती हूँ उस वक्त में, 26 नंबर की निडल से। मैम आपने मुझे एलो शैम्पू बताया यूएस वाला, वो ऑनलाइन मिल जाता है क्या? क्योंकि बेसिकली मैम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। मैंने पे जो भी काम किया, रिसर्च किया, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे पर्सनल केयरर्स इससे आता है। हाँ, या तो ग्रुप में उसका लिंक किया ऐसा कुछ डाल दीजिए, या फिर मैं आपको मैसेज करती हूँ। ओके, हेलो मैम। मैम हिर्सुटिज्म में हम क्या लोकल एप्लीकेशन के लिए क्या दे सकते हैं? पीसीओएस के पेशेंट किसकी किसकी हिर्सुटिज्म रहता है ना, पीसीओडी हड़ताल मनशीला ऐसे बोला है, तो ये थोड़ा सा हड़ताल मनशीला ये थोड़ा मुझे स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि बच्चियां हमारे यहाँ आती है तो उनका एज और उनकी स्किन इतनी डेलिकेट रहती है, तो हम ये यूज करने में थोड़े हिचकिचा रहते हैं, तो इसमें हम क्या यूज करें? एक मैं जो लेखन कार्य के लिए यूज करती हूँ, इससे पहले मैंने अपने जैसे बताया, तो लोग मनशील या बाकी का चीज हर बार लोग हमारे पास में आने के लिए तैयार नहीं होते। कॉस्मेटिक वाले लोगों तो घर में बैठ के रिजल्ट चाहिए, तो अगर आप करा सकते हैं तो जो हमारे ये द्रव्य है ना, लोद्र वाला मंजिष्ठा रक्त, इसको थोड़ा कोर्स नेचर में आपने उसको ये करके उसका आलेपन, उसका घर्षण अगर आप करते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन हिर्सुटिज्म आपका अगर रिलेटेड विद थायराइड है, तो अंटिल अनलेस यू मेक देयर थायराइड लेवल लेस, क्योंकि मेरे पास देर आर 7 टाइप्स ऑफ फेशियल विच आई डू, आउट ऑफ विच 1 फेशियल इज अपलिफ्टमेंट फेशियल, जिसमें द स्क्रब विच इज यूज उसका 0.05 माइक्रोग्रैनुल्स होना चाहिए। एप्रिकॉट का जो भी फेशियल और ये सारी चीजें है, ये पोर्स को बहुत ज्यादा इंजुरी देती है और बहुत जल्दी सैगिंग डेवलप होता है, तो ऑलवेज यू शुड सी वॉट एवर यू आर यूजिंग एज अ स्क्रबर उसका 0.50 माइक्रोन ग्रैनुल्स में ये होना चाहिए। तो जो मैं एलोवेरा देन उसके साथ में होहोबा ये सारे कुछ ऑयल्स वगैरह का वो चीज से मैं घर्षण करती हूँ। एंड एक योक्स एंड मास्क करके पाउडर रहता है जिसको मैं एक्टिवेटर के साथ में करती हूँ, तो जो जैसे ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड कैसे निकलता है मालूम है ना आपको मैम, तो मैं वैसे नहीं निकालती हूँ। हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है जो एक सोल्यूशन बनता है और उसको बटर पेपर मालूम है, मैं उसको कभी वीडियो शेयर करूंगी, एक्चुअली मुझे नहीं मालूम था इतना इंटरेस्ट है आपको, तो वहां पे बटर पेपर आप लगा के वो जब सोल्यूशन लगाते हैं तो उसके अंदर एग योक जो रहता है ना, एग योक उससे बना पाउडर है वो, तो प्रोटीन फॉर्मूला है सारा जिसमें कोलेजन वगैरह वो सारा चीज रहता है, तो उससे व्हाइट हेड्स भी निकल आते हैं और आपका जो अपर लिप है या एक्स्ट्रा एरिया है वो उसी तरह से धीरे धीरे करके निकल। इट इज अ सेटिंग विच इज वीकली टू बी कैरी, देन डेली आई गिव स्क्रब एंड इंटरनल ट्रीटमेंट जो भी है आपका उसके साथ में चलता है वो, और उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो ये है एप्रिकॉट वगैरह जैसे घर्षण वाला चीज है, क्योंकि इन मॉडर्न इफ यू आर यूजिंग जो ब्यूटिशियन वगैरह बाकी का जो लोग सजेस्ट करते ऑलवेज डिब्राइडमेंट या जो पीलिंग है या फिर जो भी हैवी ये बोलते हैं ना स्क्रबिंग, इट इज ऑलवेज सजेस्टेड वंस इन 21 डेज, मतलब वंस अ मंथ डायरेक्टली, बट मैं जो करती हूँ बिकॉज इट हैज 0.05 और उसमें कोई एब्रेजन नहीं होता है तो आप वीकली कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि लॉ भी कम होती है हिर्सुटिज्म की, दूसरा आपको ये नहीं करना पड़ता। हाँ। आवाज नहीं आ रही है, सॉरी मैम अभी शायद डिस्कनेक्ट हुई है। तो यहाँ पे जो भी है आपको इंटरनल ट्रीटमेंट की सीओडी एंड थायराइड ये दो चीजों पे ध्यान देना ही पड़ता है। The reason it is not only an external treatment, it's basically an internal treatment related with testosterone level. Okay. Okay. हाँ. Thank you, ma'am. मेरे पास में अगर कोई वीडियो होगा ना, अभी फिलहाल 3 महीने से तो मैं मतलब मेरी बाकी ही डॉक्टर्स कर रहे हैं, अगर मैं सेटिंग करती हूँ तो मैं वीडियो निकाल के जरूर भेजूंगी। बहुत सिंपल रहता है, नॉन इंटेंसिव रहता है, उसका कोई निशान विशान नहीं पड़ता है, कोई भी खींचतानी नहीं होती है, मार्केट में प्लकर्स वगैरह मौजूद वैसे नहीं, सिंपल उसका बटर पेपर के साथ में सोल्यूशन लगाया 20-30 मिनट सेट करने के लिए छोड़ दिया। मैम सोल्यूशन कौन सा यूज करना है उसमें?
मास्क पाउडर एंड एक्टिवेटर करके सॉल्यूशन मैम, इट्स अ प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन, तो मैं यूज करती हूं बिकॉज़ लास्ट ग्रुप में डालिए सॉल्यूशन। ओके मैम, और कुछ पूछना चाहते हैं? बलजीत कौर मैम, आपने हैंड रेज किया, आप कुछ बोलना चाहती हैं मैम? हाँ जी सर, मैम गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग मैम, बताइए सर। वो पूछना था मैंने कि सर जो छोटे छोटे तिल हो जाते हैं ना फेस पे, सर उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं? वो असली में तो पित्त की दृष्टि से तिल कालक ऐसे बताया गया है ग्रंथों में, पित्त की ही चिकित्सा किया जाता है, कुमकुम आदि तेल लगाया जाता है और रक्त मोक्षण किया जाता है। तो वो कुछ ऐसे परमानेंट होते हैं जो नहीं जाते हैं, लेकिन जो नए नए आए वो फायदा हो जाता है, उसको टाइम लगता है जाने में। बाकी आप लोग बताइए, किसी का कोई एक्सपीरियंस है तो बताइए। सर एक कोई डॉक्टर थे हमारे ग्रुप में जिन्होंने बताया था कि कुछ कोई प्रोडक्ट है कि कोई पाउडर है जो लगाने से तिल कालक इमीडिएटली एक एप्लीकेशन से निकलते हैं। मैं उनका नंबर नहीं जान पाई, अगर किसको मालूम है वो क्या चीज है उसका। डॉक्टर सदबी ने बताया था वो। हाँ मैं उनका नंबर शेयर कर दीजिए, व्हाट इज दैट आई वांट टू नो, डॉक्टर सदबी। ओके ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। कोई कुछ बताना चाहते हैं? या फिर डॉक्टर अर्चना मैम आप होस्ट हैं, मुझे होस्ट बनाइए, या तो सेशन आप बंद कर दीजिए या मुझे बंद करने दीजिए, सेशन अभी बंद करना है। डॉक्टर अर्चना मैम सुन पा रही हैं? मुंबई की डॉक्टर होस्ट मैम शायद मैम सुन नहीं रही हैं, प्लीज आप लोग बोलिए ना मैम को।